हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस पी, यानी ये कंडीशन दिया गया है। तो हम लोगों को क्या दिखाना है, ए पी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ट्राइस होल इंटू टू पी माइनस ए होल इंटू टू पी माइनस बी होल इंटू टू पी माइनस सी, ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन पे दिया गया कंडीशन, वो कंडीशन को पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोगों का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए, गिवन क्या गिवन है फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस पी, ये गिवन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, ए प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस पी माइनस सी होगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। और ए प्लस बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, बी प्लस सी का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, ट्वाइस पी माइनस ए हो जाएगा। और सी प्लस ए, सी प्लस ए का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, सी प्लस ए इक्वल टू ट्वाइस पी माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों ने ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लिया है, बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लिया है और c प्लस ए का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, देखिए c प्लस ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, ट्वाइस पी, ये प्लस बी इक्वल की उस तरफ चला गया तो क्या हो गया, माइनस बी हो गया। अभी आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोगों ने क्यों a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का वैल्यू निकाल लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में आप लोगों को पता लग जाएगा क्यों हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, देखिए हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्क्वायरिंग बोथ सेट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को पहले हम लिख लेंगे, जो कि है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस पी। सो यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए पी क्यूब है कि नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, टू पी ए क्यूब, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूबिंग, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या है फ्रेंड्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ट्राइस होल इंटू बी प्लस सी होल इंटू सी प्लस ए होल इंटू ए प्लस बी, ठीक है नहीं फ्रेंड्स। ये ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का ये यहाँ से लगे यहाँ तक क्या है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी है। देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ए प्लस बी, इसीलिए हम लोगों ने ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लिया है। यहाँ पे क्या है, सी प्लस ए, इसीलिए हम लोगों ने सी प्लस ए का वैल्यू निकाल लिया है। यहाँ पे बी प्लस सी है, इसीलिए हम लोगों ने बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, और ये इक्वल यहाँ पे आएगा टू क्यूब, यानी ए पी क्यूब। देखिए आधा आधी निकाल गया है अभी यहाँ तक। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, बी प्लस सी और सी प्लस ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो आंसर निकल जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। देखिए b प्लस सी यानी क्या है, ट्वाइस पी माइनस ए है, ट्वाइस पी माइनस ए, सी प्लस ए यानी ट्वाइस पी माइनस बी है, ट्वाइस पी माइनस बी, ए प्लस बी यानी ट्वाइस पी माइनस क्या है फ्रेंड्स, ट्वाइस पी माइनस सी इक्वल टू ए पी क्यूब। देखिए ये हम लोगों को मिल गया है कि नहीं, यानी आप लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लीजिए, इसको राइट हैंड साइड पे भेज दीजिए, ठीक है नहीं। देयरफॉर ए पी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ट्राइस ट्वाइस होल इंटू ट्वाइस पी माइनस ए होल इंटू ट्वाइस पी माइनस बी होल इंटू ट्वाइस पी माइनस सी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे हैंस प्रूफ लिख लीजिए। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 कम्प्लीट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, जितना प्रॉब्लम हो सके हम लोग सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ये यूट्यूब चैनल को। ठीक है, थैंक यू।